हेलो दोस्तों, तो जैसे कि आज मेरे पास एक माइक्रोवेव आया है, ठीक है। तो अब इसको हम देखते हैं कि प्रॉब्लम क्या है इसमें चालू करने के बाद, ठीक है। तो अब इसमें हम सप्लाई देते हैं, 220 वोल्ट का है। ओके, सप्लाई दिया, देखिए पावर आ गया इसमें। फिर इसके अंदर हम एक पावर आ गया, देखिए इसके अंदर कुछ नहीं है। तो इसके अंदर क्या करेंगे, कॉप में हम पानी डालेंगे, पानी रखेंगे इसके अंदर, ठीक है। देखिए ये जैसे वाटर है, तो इसके अंदर हम रखेंगे, फिर चेक करेंगे इसका कि हीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। देखिए तो ये अब इसका हम वो करेंगे कॉम्बो पे। ओके, 2 मिनट डालेंगे, ठीक है। फिर इसको हम स्टार्ट करेंगे। ओके, देखिए स्टार्ट करेंगे, देखिए स्टार्ट हो गया। 2 मिनट का टाइम सेट किया हूँ। मालूम नहीं क्यों आया है अपने पास, क्योंकि ये इसका सारा बटन तो काम कर रहा है, बस वो माइक्रोवेव भी चालू हो गया, ठीक है। तो देखिए 2 मिनट का टाइम सेट किया हूँ, उसके बाद से टाइम ख़त्म होता है तो फिर वीडियो अभी यहाँ पे रोकता हूँ। फिर जब 2-4 सेकंड रहेगा तो फिर चालू करूँगा, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, इसके लिए मैं ये कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए अपना 1 मिनट हो गया, बस 1 मिनट बाकी है। देखिए बस कुछ ही सेकंड बाकी है, 14-15 सेकंड, ठीक है। उसके बाद से चेक करेंगे कि पानी गर्म हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। अगर गर्म होगा तो फिर ओके है, लेकिन मालूम नहीं क्यों इधर आया है फिर, ठीक है। अगर पानी गर्म हो गया तो ओके है, ठीक है। देखिए ये बंद हो गया, देखिए आपको साउंड आ रहा होगा, ठीक है। तो इसको ओपन करता हूँ मैं, ठीक है। ये देखिए इसके अंदर पानी रखा है अपना, ये देखिए गर्म नहीं हुआ है, ठीक है, गर्म नहीं हुआ ये पानी। ओके, तो फिर अब क्या करेंगे कि इसको ओपन करेंगे, पानी बाहर निकाल देते हैं, नहीं तो इधर उधर करने पे पानी इसका गिर सकता है अंदर में, ठीक है। तो दोस्तों अब इसको ओपन करेंगे हम, ठीक है, इसको ओपन करेंगे, इसका सप्लाई निकाल देते हैं, ठीक है। अब इसको ओपन करते हैं हम। ओके, तो इसका स्क्रू देखिए, इसका स्क्रू ओपन हुआ है, एक इधर है और एक इधर आता है, एक इधर आता है और एक इधर आता है, ठीक है। तो इसमें फिलहाल में 2 ही स्क्रू, एक यहाँ है और एक उस साइड में यहाँ है, ठीक है। ओके, तो इसको ओपन करते हैं। ठीक है, ओपन हो गया, इसको भी ओपन करते हैं दोनों स्क्रू को, ठीक है। ओके, ओके, दोनों ओपन हो गया, ठीक है। अब इसका कवर निकालते हैं, ठीक है, अब सब निकालते हैं, ये रहा कवर इसका। तो पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप इसको चेक करेंगे कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। देखिए ये जो प्रॉब्लम होता है, ये अगर ये वाला मैग्नेट अगर खराब रहेगा तो भी इसका ये प्रॉब्लम होता है, हीट नहीं होता है। या तो इसका ट्रांसफार्मर भी खराब रहेगा ये वाला, तो भी ये हीट नहीं होगा, ठीक है। जैसे कि ये सप्लाई देगा ही नहीं, तो फिर ये मैग्नेट हीट कैसे करेगा। अगर सप्लाई देता भी है तो फिर मैग्नेट सही नहीं है तो फिर हीट क्यों होगा, मतलब हीट भी नहीं होगा, ठीक है। और प्लस फ्यूज देखते हैं, इसका फ्यूज का भी प्रॉब्लम होता है, ठीक है। जब फ्यूज सप्लाई ही नहीं देगा तो फिर हीट ये भी कैसे होगा, जब ट्रांसफार्मर को डायोड से, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप चेक करते हैं एक एक पार्ट को, ठीक है। तो आप ऐसे ही देखते रहिए, ठीक है। तो ये रहा अपना एक मल्टीमीटर,
ओके, अब हम स्टेप बाय स्टेप एक एक पार्ट्स को चेक करेंगे, ठीक है। उसके बाद से देखते हैं प्रॉब्लम क्या है इसके अंदर। थोड़ा प्रॉब्लम होगा क्योंकि मैं वीडियो खुद से बना रहा हूँ, ठीक है। तो पहले तो क्या करेंगे कि हम फ्यूज चेक करेंगे, ठीक है। ओके, पहले फ्यूज चेक करेंगे। ये देखिए, तो मल्टीमीटर को हम कंटिन्यूटी पे सेट करेंगे। ओके, फिर हम चेक करेंगे इसको, ठीक है। ये देखिए, ठीक है, देखिए फ्यूज चेक करेंगे, ठीक है। ठीक है, फ्यूज नहीं बता रहा है, ठीक है। तो फिर हम दूसरा फ्यूज लेते हैं एक, फिर वो डालते हैं और फिर कनेक्ट करते हैं, फिर चेक करेंगे इसको, ठीक है। तो ये अपना फ्यूज है दूसरा नया वाला। ओके, देखिए, थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है दोस्त क्योंकि खुद से वीडियो बनाना पड़ता है। देखिए देखिए, देखिए देखिए, देखिए ये फ्यूज सही है। फिर इसको हम वो करते हैं, ओके, फिर इसे कनेक्ट करेंगे, ठीक है। थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, फ्यूज लगा दूँ थोड़ा, ठीक है। तो फ्यूज मैंने लगा दिया, अब इसका कनेक्ट करता हूँ इसको, इसके अंदर ये डालूंगा पहले, ठीक है। अब इसका कनेक्शन करेंगे हम फ्यूज का, ये वाला इस पे, ये वाला जो पोल है, ठीक है, ये अपना कनेक्ट हो गया। ओके, अब इसको हम ऐसे रख देंगे और फिर अब चालू करके देखते हैं कि हीट होता है कि नहीं, ठीक है। ठीक है, अब इसके अंदर वाटर पानी डालते हैं, ठीक है, फिर चेक करते हैं। अब की बार एक मिनट का टाइम देंगे, क्योंकि 2 मिनट ज़्यादा हो जा रहा है। ओके, तो अपना 1 मिनट का टाइम है, स्टार्ट हो गया। देखिए देखिए, 1 मिनट होने वाला है, बस 3-4 सेकंड बाकी है, ठीक है। देखिए साउंड आ रहा है, ठीक है। पानी चेक करते हैं इसका अंदर का, देखिए फिर भी गर्म नहीं हुआ, ठीक है। फ्यूज का भी प्रॉब्लम था, फिर भी फ्यूज सही किए हम लोग, फिर भी गर्म नहीं हुआ, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि ट्रांसफार्मर चेक करेंगे, ठीक है, कि ट्रांसफार्मर पे सप्लाई आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। अगर सप्लाई नहीं आ रहा होगा तो फिर क्या होगा कि ये जो आपको दिख रहा है, ये वाला देखिए, ये पैनल बोर्ड, ये वाला खराब होगा, ठीक है। अगर ये आपका ट्रांसफार्मर पे सप्लाई नहीं आएगा यहाँ से यहाँ तक, तो समझिए कि ये आपका पैनल बोर्ड खराब है। अगर सप्लाई आता है तो फिर ठीक है, तो फिर उसके बाद से क्या करेंगे कि ट्रांसफार्मर चेक करेंगे, ओके, ठीक है। तो फिर इसमें क्या करते हैं कि ये वाला वायर रिमूव करेंगे, देखिए ये वाला, सप्लाई चेक करने के लिए मल्टीमीटर पे, एसी वोल्ट पे, ठीक है। ओके, ये देखिए 220 वोल्ट आ रहा है इसमें, देखिए ये आता है जाता है क्योंकि जब मैग्नेटिक ड्रिल मशीन, अरे ये जो मैग्नेट है, ये वाला, अगर जब ये वोल्ट लेगा ना, तब तक ट्रांसफार्मर 220 वोल्ट बना के देगा 100। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है, देखिए
देखिए 220 235 वोल्ट दे रहा है इसको, ठीक है। तो ये सही है इसका पैनल बोर्ड, ओके। तो अब इसको हम क्या करेंगे कि ट्रांसफार्मर को चेक करेंगे, ठीक है। ठीक है, तो अब हम ट्रांसफार्मर चेक करेंगे। अब इसको क्या करेंगे कि हम कंटिन्यूटी पे सेट करेंगे, ठीक है, ओके। देखिए देखिए, ओके, ये देखिए दोनों पोल पे सटा रखा हूँ इसका, ठीक है। ये देखिए जो पोल है ये अंदर में, ये वाला जो पोल देख रहे हैं यहाँ पे चेक करना पड़ेगा कंटिन्यूटी, ठीक है। ये देखिए बता रहा है, ठीक है। अगर ये नहीं बताएगा तो समझिए खराब है ट्रांसफार्मर, ठीक है। और प्लस यहाँ भी बताएगा, वो दो वो नीचे वाला पोल हो गया और ये ऊपर वाला पोल हो गया, ये जो मैग्नेट के अंदर डालते हैं, देखिए इसमें भी बता रहा है। अगर ये नहीं बताएगा तो समझ लो खराब है, ठीक है। और प्लस ये देखिए ऐसा भी होता है, जैसे कि ये है अब यहाँ पे लगा दिए, ठीक है। देखिए जैसे कि एक यहाँ लगा दिए इस वाले पोल पे, थोड़ा प्रॉब्लम होता है वीडियो बनाने में क्योंकि खुद से बनाने पड़ता है पकड़ के, ठीक है। जैसे कि एक इसमें डाल दिए, ठीक है, ओके। और एक यहाँ पे चेक करेंगे, ठीक है। तो ये अगर ये भी बताता है कंटिन्यूटी में तो फिर समझे कि ट्रांसफार्मर खराब है, ठीक है। तो ये आपका ट्रांसफार्मर भी सही है, ठीक है। अब बारी है ये मैग्नेट का, ठीक है। तो आपका फ्यूज भी चेक किए, फ्यूज भी सही है आपका, ये पैनल बोर्ड भी सही है, ये जो दिख रहा है आपको, देखिए ये जो पैनल बोर्ड दिख रहा है, देखिए ये जो पैनल बोर्ड है ये वाला भी सही है आपका, ट्रांसफार्मर भी सही है, सप्लाई वो सप्लाई दे रहा है पैनल, और ट्रांसफार्मर भी चेक किए तो ट्रांसफार्मर भी सही है, ठीक है। तो अब इसका कनेक्ट कर देते हैं, ट्रांसफार्मर का जो वायर था रिमूव किए थे। फिर अब हम चेक करेंगे मैग्नेट को। तो मैग्नेट को हम कैसे चेक करेंगे ताकि पता चले कि मैग्नेट खराब है क्या है। तो देखिए ये जो मैग्नेट का ये जो दो पोल है, देखिए ये जो दो पोल दिया हुआ है देख रहे हैं, एक इस साइड है एक इस साइड है। तो इस पर भी कंटिन्यूटी चेक करेंगे, अगर कंटिन्यूटी बताता है तो सही है, ठीक है। कंटिन्यूटी अगर बताएगा तो सही है, लेकिन फिर एक पोल यहाँ पे और एक पोल बॉडी पे अगर चेक करेंगे फिर भी कंटिन्यूटी बताएगा तो समझिए कि खराब है, ठीक है। तो ये होता है, अगर सही रहता है तो बताता है कंटिन्यूटी इसका। अगर अगर एक पोल यहाँ पे अगर वो करेंगे, एक पोल यहाँ पे इस पे और एक और एक एक एक, एक वायर यहाँ पे डालेंगे, अगर फिर भी कंटिन्यूटी बताता है तो समझिए कि आपका मैग्नेट खराब है। तो मैग्नेट चेंज करेंगे तो आपका ओवन सही हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको हम चेक करते हैं कंटिन्यूटी, ठीक है। थोड़ा प्रॉब्लम होता है खुद से वीडियो बनाने में, ठीक है। तो ये देखिए 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 कंटिन्यूटी बता रहा है, ठीक है। देखिए ठीक है, कंटिन्यूटी बता रहा है, ठीक है। देखिए कंटिन्यूटी बता रहा है, ठीक है। तो ये यानी सही नहीं है बोल सकते हैं, क्योंकि इसका अभी बॉडी टेम्परेचर चेक करना बाकी है, ठीक है। देखिए एक पुलिस में डाल दिया मैं, ठीक है। और फिर क्या करूँगा, एक वायर का इस पर चेक करूँगा। देखिए देखिए ये बता रहा है ना, तो यानी ये क्या है कि ये मैग्नेट खराब है, ठीक है। अभी मैं एक आपको दूसरा एग्जांपल दे चेक करके बताता हूँ। एक मेरे पास मैग्नेट है, ठीक है, तो उसका चेक करते हैं कि उसका भी सेम बताता है या डिफरेंट बताता है।
ठीक है। देखिए एक मेरे पास ये दूसरा मैग्नेट है, ठीक है, ओके, एक पोल पे डाल दिया, ठीक है, और दूसरा पोल है ये, अब इसको चेक करेंगे हम, ओके। देखिए फ्रिज का ये सही बता रहा है, फिर यहाँ बॉडी पे चेक करेंगे, ये देखिए बॉडी पे नहीं बता रहा है, ठीक है, तो यानी सही है अपना। ऐसे ही मैग्नेट को चेक किया जाता है, ठीक है, और कोई दूसरा तरीका नहीं है। अगर यहाँ पे भी अगर कंटिन्यूटी बताता तो समझिए खराब है ये, ओके। देखिए मैं दोबारा रिपीट करके बताता हूँ, ये जो ओवन ओवन के अंदर में है, ठीक है, देखिए ये हो गया, और ये हो गया दूसरा पोल, देखिए बता रहा है, फिर बॉडी पे चेक करेंगे, देखिए देखिए बॉडी भी बता रहा है, तो यानी ये मैग्नेट खराब है। अब क्या करेंगे कि मैग्नेट इसका चेंज करेंगे, ठीक है, ये वाला मैग्नेट डालेंगे उसके अंदर, ओके, ठीक है। तो ये मल्टीमीटर भी साइड कर देते हैं, ये वायर भी तो निकाल के ही रखेंगे, ठीक है। अब इसका ओपन करते हैं, ठीक है, यहाँ पे दो स्क्रू होता है इसका, ठीक है, देखिए ओके, अपना ओपन हो गया दोनों स्क्रू, ठीक है। अब देखिए फिर और दो स्क्रू ओपन करना पड़ेगा, देखिए कि इसके अंदर है, इसके अंदर ये देखा है, तो ये भी ओपन करना पड़ेगा आपको, ठीक है, तब ये जाके मैग्नेट अपना ओपन होगा, नहीं तो नहीं होगा ओपन, ठीक है। ये ओपन हो गया, फिर इस साइड भी एक होता है, ये देखिए, ये ओपन हो गया अपना, फिर इसको आराम से निकालेंगे, फिर इसका कनेक्शन पहले निकाल देते हैं, ठीक है, ओके। फिर मैग्नेट को हम निकालेंगे आराम से, ओके। तो अब अपना मैग्नेट दूसरा डाल रहे हैं, दूसरा वाला, ये वाला इधर रख दिए, अब ये नया वाला डाल रहे हैं, नया नहीं है, पुराना ही है, तो नया नहीं है मेरे पास, ताकि मैं नया लगाऊं, तो ये पुराना ही डाल रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास पुराना था इस मॉडल का, ठीक है, ठीक है। अब इसको हम टाइट करेंगे, ये डाल दिया अपना, ओके, तो अब हम इसको टाइट करेंगे मैग्नेट को, बिना टाइट नहीं छोड़ सकते इसको, ठीक है। तो ये दोनों तरफ का फुल टाइट करना पड़ेगा, ठीक है, टाइट हो गया, अब ये रहा दूसरा, ये भी टाइट हो गया, ठीक है। अब इसका ये हम ऑटो कट लगाएंगे, ये वाला, ठीक है, तो ये फिर वीडियो में पॉज करके, मतलब स्टॉप करके फिर वो करेंगे इसको। दोस्तों देखिए, जैसे कि मैं ऑटो कट लगाया इसको, देखिए ऑटो कट लगाया मैं ये वाला, क्योंकि इससे नहीं था, पहले इस पे था, तो इसको रिमूव करके मैं इस पे लगाया, ठीक है, इस पे लगाया। तो अब इसमें हम कनेक्ट को इसका वायर कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। दोस्तों ये क्यों है ऑटो, ये मालूम है क्या है, ये ऑटो कट है, ठीक है। ये जो अपना टेम्परेचर होता है ना, तो ये किस लिए लगाया गया है, ताकि ज़्यादा टेम्परेचर होगा ना ओवन, ज़्यादा हीट हो जाएगा, तो फिर इसका पावर सप्लाई काट देगा उस समय, मतलब वहाँ से सप्लाई बंद कर देगा, फिर थोड़ा ठंडा होगा, फिर सप्लाई दे देगा, इसका काम यही है, ठीक है। तो इसका कनेक्ट कर दिए, अब बचा अपना ये, तो इसको यहाँ पे स्क्रू से टाइट करेंगे, ठीक है, ये वाला, ठीक है, देखिए ये टाइट हो गया दोनों, ठीक है। फिर इसे क्या करेंगे, इसका भी कनेक्ट करेंगे वायर मैग्नेट पर,
ओके ठीक है। अब सप्लाई देके देखते हैं कि हीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ओके अब तो हीट होना चाहिए क्योंकि मैग्नेट भी चेंज कर दिए, ख़राब था तो, और इसका फ्यूज भी ख़राब था वो भी चेंज कर दिए, मैग्नेट भी ख़राब था वो भी चेंज कर दिए, ठीक है। तो अब इसको हीट करके देखते हैं, अब इसको इसके अंदर पानी रख के, ठीक है ठीक है। तो अब इसमें हम सप्लाई दे के चेक करते हैं कि हीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मैं पानी भी रख दिया इसके अंदर, ठीक है ओके। तो इसका सप्लाई देते हैं इसमें, ठीक है सप्लाई दे के फिर चेक करते हैं, ठीक है। देखिए सप्लाई आ गया, ओके। तो अब इसमें दो मिनट चेक करेंगे, ठीक है टाइम सेट कर दिया। अब इसको स्टार्ट करता हूँ, ठीक है ओके। देखिए स्टार्ट हो गया, दो मिनट का टाइम सेट किया हूँ, दो मिनट बाद फिर अभी वीडियो रोकता हूँ, जब कुछ सेकेंड बाकी रहेगा तो फिर वीडियो चालू कर दूँगा, ठीक है। तो दोस्तों देखिए बस कुछ ही सेकेंड बाकी है, ठीक है। उसके बाद से चेक करते हैं कि पानी गर्म हुआ है कि नहीं हुआ है, ओके। बस 10-15 सेकेंड है, तो यही प्रॉब्लम होता है दोस्तों। ये जो प्रॉब्लम था गर्म ना होना, मतलब कुछ भी गर्म ना होना, तो फ्यूज भी ख़राब होता है तो सप्लाई नहीं दे पाता है। देखिए बंद हो गया, अभी चेक करते हैं। जैसे सप्लाई नहीं दे पाता है फिर भी तभी ख़राब होता है, अगर मैग्नेट ख़राब होता है फिर भी नहीं हीट होता है, अगर ट्रांसफार्मर भी सप्लाई नहीं देगा ख़राब होगा फिर भी हीट नहीं होगा, ठीक है। देखिए अब पानी देखते हैं, ठीक है ये देखिए, देखिए अपना पानी गर्म हो गया, ठीक है। देखिए भाप आ रहा है ना अंदर से। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो, ठीक है। तो अब कोई भी वीडियो चाहिए दोस्तों, आप बस मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि हमको इस पे वीडियो बनाइए, तो मैं कोशिश करूँगा कि उस पे वीडियो बनाऊँ, ठीक है। तो देखिए ये पानी गर्म हो गया है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।